फ्रेंड्स वेलकम बैक, मैं हूँ आपका मन राजू भाई। राज आपके सामने है रेड ब्यूटी यामा R15M और मुझे दिखाएंगे सर काफ़ी ज़बरदस्त यूनिक। और आपको सबसे पहले दिखाता हूँ यूनिक के अंदर, तो यूनिक आ जाओ इधर आओ, इधर आपको आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर हैंडल बार राइजर जो कि इसके अंदर लगा दिए गए हैं। ये हैंडल बार राइजर की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना वो मैं आपको बताता हूँ किस लिए होते हैं। देखिए अब ये जो फील है ना अब कुछ इस तरीके से आ रहा है, और जब ये नहीं लगे थे ना तो इसका फील कुछ इस तरीके से, इतना फ़र्क आया था हैंडल राइजर लगाने से, जो कि कंफर्ट राइडिंग जिसको करनी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। R15 के अंदर लगाना चाहे V3 हो चाहे V4 हो, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरी पसंद तो बिल्कुल नहीं है R15। मैं तो ऐसी बाइक चला ही नहीं सकता फेयरिंग वाली, क्योंकि मेरा शौक सिर्फ नेक बाइक चलाने का है जो कि मैं चलाता हूँ। बट जिसको अच्छा लगता है वो चला सकता है, लेकिन इसको जो अनकम्फर्टेबल है ना उसको कम्फर्ट फील करने के लिए आपको ये लगाना पड़ेंगे। हैंडल राइजर अपने पास अवेलेबल है और ये मिलेंगे आपको ओरिजिनल मेरे पास, नॉट लोकल, नॉट कॉपी, नॉट डुप्लीकेट, नॉट जुगाड़, प्रॉपर फिटिंग आपको मिलेंगे R15 V4 के। और अब दिखाता हूँ इसके बाद यहाँ पे देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं ये बबल वाइजर जो कि लगा दे, ये भी है अनब्रेकेबल वाला ये डबल बबल वाइजर किसी ने इंस्टॉल कर दिया गया आपका। और साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर विंगलेट जो कुछ देखने मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, ये इसकी विंगलेट है जो लगा दी गई लुक इनहेंस करने के लिए। साथ में देखेंगे शॉकर प्रोटेक्शन और ये फॉक्स लैडर, इससे भी इसकी लुक तो इनहेंस हो ही जाती है। साथ में इसके USG शॉकर मरगार्ड और आपको डिस्प्लेट ये पूरी तरीके से करता है, ऐसे कॉम्बो किट लगाने से ना डबल बेनिफिट होता है आपका। सेम मिलेगा आपको इस तरफ देख सकते हैं लुक इनहेंस होगी, साथ में सेफ्टी की सेफ्टी होगी आपकी। और इधर देखने मिलेंगे आपको व्हील कवर जो कुछ इस तरीके से, इससे भी लुक ज़्यादा इनहेंस हो जाती है लगने के बाद। और जो लोग फुल वाले ना लगवाएँ से गाड़ी में वाइब्रेशन ज़्यादा आ जाती है, और ये होते हैं प्लास्टिक के, इससे कोई वाइब्रेशन नहीं होती और बहुत ही इजीली फिट हो जाते हैं। साथ में उधर मिलेगी इसके अंदर रेडिएटर गार्ड जो कि अंदर लगा दिया गया। इसके अंदर रेडिएटर गार्ड लगाने से क्या होता है, जब भी गाड़ी राइड करते हैं तो कंकर पत्थर कुछ भी आके रेडिएटर पर लग जाता है और उससे रेडिएटर डैमेज, और डैमेज होने के बाद गाड़ी हो जाएगी आपकी स्टॉप, तो उससे बचाने के लिए रेडिएटर गार्ड लगा दिया है जो कि लुक रहने से साथ में सेफ्टी मिल जाती है। और सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो सेफ्टी बताया तो आपको इधर आइए, ये ऐसा क्रैश गार्ड जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का क्रैश गार्ड है, ये इसके अंदर आपको देने मिलेगा डबल स्लाइडर के साथ, एक इस तरफ, इससे आपका फेयरिंग, आपका टैंक, आपके खुद के लैक्स ये होते हैं पूरी तरह प्रोडक्ट। और ये प्रॉपर फिटिंग वाला, ये भी कोई जुगाड़ नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिशियन, सिंपली इजी टू फिटेड है। एक फिटिंग आपकी इधर देखने मिलेगी और एक फिटिंग आपकी इस तरफ और एक फिटिंग मिलती है आपको इस तरफ, ये प्रॉपर फिटमेंट है जो आपने दिखाई आपको, कोई जुगाड़ नहीं होता। और फिटमेंट देखो क्या ज़बरदस्त आ रही है, सेम इधर और सेम आपको उस तरफ भी दिखाऊंगा, ये देखिए सेम इस तरफ फिटमेंट देखने मिलेगी इसकी लुक। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर मोटोजेनिस का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, 360 डिग्री रोटेशन है जहाँ पर इसके रोटेट कर सकते हो। तो अब इसके अंदर लगाने के बाद ना भैया को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फ़ोन लगाएंगे और गूगल मैप ऑन करेंगे और चले जाएंगे जहाँ भी भैया को जाना होगा, अकेले या साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भैया की मर्जी है। इधर आपको देखने मिलेगा साथ में बैक साइड के अंदर ग्रैबियल, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड हो चुकी है जो कि भैया ने पहले से लगवा रखी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगा दी गई है। और इससे ना जो पीछे का आपका ग्रैबियल ये होता है ना जितना भी पार्ट प्लास्टिक का, ये फुल्ली होता है सेफ, क्योंकि जब ये नहीं लगा होता है तो अमूमन क्या होता है गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये प्लास्टिक का पार्ट है इस पर पकड़ा जाएगा और आगे पीछे इस तरीके से करना पड़ता है, तो उससे क्या होगा ये टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। और जो भी पिलियन राइडर बैठता है वो भी जो नहीं पकड़ के बैठना चाहता वो इसको पकड़ लेता है और जब ब्रेक मारते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो अब ये सारी प्रॉब्लम होगी सॉल्व इसे लगाने के बाद। अब अगर आगे पीछे कुछ करना है तो आप देख सकते हैं इसको पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं, और साथ में जो पिलियन राइडर बैठेगा या बैठेंगे जो भी है वो भी इसको पकड़ के ईजिली बैठ सकते हैं। तो ये होगी इसकी सेफ्टी पीछे ग्रैबियल लगाने से जो कि आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और तो यहाँ पर अगर बाइक की मुड़वी होगी कंप्लीट, और अब मिलाता हूँ भैया से जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा। और भैया ना बहुत दूर से आए थे किसी और की वीडियो देखकर, बट किसी और की वीडियो देखने के बाद भैया को पता लगा यहाँ का असली सच, तो सच भी बताएंगे भैया और आए कहाँ से ये बताएंगे। तो आइए सर, तो हेलो सर, तो सर आप बताइए आप कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और जिसकी वीडियो देखी वो और यहाँ पर आपको क्या डिफरेंसेस, क्या आपको समझ आया? सर मैं रुड़की से हूँ और मैं YouTube पे देख रहा था करोलबाग के लिए अपने बाइक की मॉडिफिकेशन के लिए, तो रुड़की में तो चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन अवेलेबल कराई पर उनकी जो फिटिंग जैसे उन्होंने करी तो मुझे लग गया कि ये नहीं हो पाएगा, मेरी बाइक खर्च में ख़राब हो जाएगी। फिर मैंने नेट पर सर्च करा तो जो SKD मुझे मेरा जो सिलेक्ट हुआ था वो SKD हुआ था और एक दो और हैं नाम में उसमें, तो मैं हो गया था कन्फ्यूज पहले उनके सिकंदर के नाम से, वो अपना नाम और नंबर डालते हैं अपने वीडियो में और शॉर्ट्स में, तो मैं उनका सोच के ऐसे कि चलो करोलबाग चलते हैं। फिर साथ में यहाँ पे मेरे एक भाई योगेश भाई थे जानने वाले, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करा तो उन्होंने कहा कि आप चॉइस तो आपकी सही है लेकिन आप गलत
गलत इंसान के पास, मतलब गलत शॉप पे जा, गलत शॉप पे जा रहे हो। आपको मैं ओरिजिनल जो एसकेडी है राजू भाई वाली, वहाँ पे लेके चलता हूँ, फिर उनके थ्रू मैं आपके पास आया हूँ। और ये तो आपने तो सारे मतलब बता ही दिया क्या क्या चीज़ लगाई है, लेकिन जो लगाने वाले थे, जो आपके वर्कर है, उन्होंने जिस तरीके से लगाई है, मुझे उसका बहुत सुकून रहा है कि मेरी बाइक को बिल्कुल प्यार से हर तरीके से इसमें हर चीज़ इंप्लीमेंट हुई है और मैं यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड हूँ। और जैसे मैंने क्रैश गार्ड पहले भी देखे, इस क्वालिटी का क्रैश गार्ड और इतनी अच्छी फिटिंग मुझे अभी तक नहीं मिली थी। तो मैं आगे भी लोगों को ये प्रीफर करूँगा, अगर आपको करोल बाग आना है तो एसकेडी राजू भैया शॉप को सर्च करें यूट्यूब पर, वहीं से कॉन्टैक्ट निकालें और उनके पास आए, और एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट जो होगा या जो लोकेशन होगी राजू भैया आपको सबको बताएंगे। तो ऑल अबाउट आपको ऐसा तो नहीं रहेगा कि यार मैं कहीं गलत जगह फंस गया नहीं, या फेक शॉप पे फंस गया, क्योंकि फेक शॉप पे जाने से बच गया नहीं। जैसे मैंने एक जो चीज़ पहले भी लगाई थी उसकी क्वालिटी भी जो आपने लगाई है उसके आगे कुछ नहीं है। अब मैं भी वो रिग्रेट कर रहा हूँ, काश मैं पहले ही यहाँ पे आ जाता, वो चीज़ है एक जो चीज़ जो भी लगी है वो मैं ना वहाँ पे लगवाता, तो वो भी उसी हैवी और स्ट्रेंथ होती, क्योंकि बाइक में जितना भी लोहा होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। मैं जी तो ये जितनी भी चीज़ होती है ना, ये ज़्यादातर क्या होता है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। आज ही मंडे मार्केट बंद रहती है तो आप फिर भी आपके लिए आगे चलो यार कोई बात नहीं। ये वो चीज़ आज भाई आज मंडे में आया है, मैं मंडे में आया था, करोल बाग मार्केट बंद रहती है फिर भी आए हमारे पास, तो आप समझ सकते हैं इनका बिहेवियर भी कैसा है अपने कस्टमर के लिए। आप किसी वीडियो को देख सोचते हो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। और इन्हें केस जैसे बिजी होते हैं, अगर कोई 19-20 होती है तो आप आओ, वो चीज़ें ठीक होकर जाएंगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होने की आपको ऐसे ही खराब करे वो चीज़ें भेज दी जाएगी, ये तो सबको कॉमन सी बात है, सबको पता है कोई चीज़ें बनती है होती है, तो उसके सब रेस्पॉन्सिबल राजू भाई हैं। आप आओ, बेफिक्र होकर आओ, आप एक भी बंदा यहाँ से रिग्रेट में नहीं जाएगा। तो आई होप अब सारे डाउट आपके शायद क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो राजू भाई एसकेडी को। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।